नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। राहुल गांधी आज से राजस्थान के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। यहां पर वो किसानों की पंचायत में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा उम्मीद है कि बीजेपी पर तीखा प्रहार कर सकते हैं। और मुद्दा तो आप जानते ही हैं, मुद्दा किसान आंदोलन होगा और कृषि कानून होगा। संसद में राहुल गांधी कृषि कानूनों के खिलाफ बोल चुके हैं, प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साध चुके हैं और अब उम्मीद है कि जनता के बीच में जाकर वो अपनी बात को रखेंगे। ये ठीक उसी तर्ज पर होगा जैसे कि हाल ही में उनकी बहन प्रियंका गांधी ने किया था। ये तो हमने आपको बताया था कि प्रियंका गांधी हाल ही में सहारनपुर पहुंची थी। वहां पर जो किसानों की महापंचायत थी उसको उन्होंने अटेंड किया था और वहां से उन्होंने एक तीर से 2 निशाने किए थे। पहला तीर उन्होंने ये मारा था कि वहां के किसानों को ये बताने की कोशिश की थी कि कांग्रेस आपके साथ है। कांग्रेस आपके साथ तो है ही, साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी और उनकी नीतियों के खिलाफ है। दूसरा निशाना प्रियंका गांधी ने इस तरीके से साधा था कि उन्होंने बीजेपी के नेताओं के साथ साथ पीएम मोदी को लेकर बड़ी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि भले ही 56 इंच के सीने की बात करते हैं लेकिन उसमें एक बहुत छोटा सा दिल है। प्रधानमंत्री मोदी के सीने में छोटा सा दिल है जिसमें सिर्फ और सिर्फ उनके उद्योगपति दोस्त रहते हैं। तो जाहिर तौर पर किसानों के बीच पैठ बनाने की कोशिश अब कांग्रेस कर रही है और इसी कड़ी में प्रियंका गांधी के बाद अब राहुल गांधी राजस्थान पहुंचे हैं ये बताने के लिए कि कांग्रेस किसानों के साथ है। देखना होगा किसान किस हिसाब से उनका वेलकम करते हैं या फिर जैसे कि दिल्ली में हुआ था। राकेश टिकैत ने साफ तौर पर कहा था कि विपक्ष यहां पर वोट के लिहाज से तो बिल्कुल ना आए, तो वहां पर राजस्थान में क्या कुछ होता है देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आपको बता दें 2 दिवसीय ये दौरा है और इस दौरान राहुल गांधी भी कई मंदिरों में जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, दर्शन करेंगे, माथा टेकेंगे और उम्मीद ये है कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने सारी चीजें की थी वो भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। प्रियंका गांधी जब मंदिर पहुंची, प्रियंका गांधी जब दरगाह पहुंची तो बीजेपी ने कड़ा पलटवार किया था। उम्मीद है राहुल गांधी के ये सारी चीजें करने के बाद बीजेपी एक बार फिर से मुखर होकर कांग्रेस पर निशाना साधेगी। बहरहाल ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जारी रहेगा ही, लेकिन राजस्थान में महापंचायत में जाना, उसको अटेंड करना राहुल गांधी को आने वाले वक्त में कितना फायदा देगा ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताएं। पहला कानून आप निकलिए तो फैमिली कहाँ पे है? भाजपा के नेतृत्व के करोड़पति मित्रों की के लिए जमाखोरी के दरवाजे खोलेगा। आपको मालूम होगा कि 1955 में जवाहरलाल नेहरू ने जमाखोरी बंद करवाई, कानून लगवाया कि जमाखोरी बंद होनी चाहिए। उस कानून को आज बदला गया है। ये नया कानून बड़े बड़े खरबपतियों को मदद करेगा। आपको उपज का दाम क्या मिलना है, आपसे कब खरीदा जाएगा, कैसे खरीदा जाएगा, ये वो तय करेंगे। दूसरा कानून एक ऐसा कानून है जो सरकारी मंडियों को अंत में बंद कर डालेगा, क्योंकि उस कानून के तहत जो बड़े बड़े खरबपति हैं वो अपनी प्राइवेट मंडियां खोलेंगे और जबकि सरकारी मंडी में आपको टैक्स लगेगा तो प्राइवेट मंडी में आपको टैक्स नहीं। इसका मतलब है कि तमाम किसान सबसे पहले प्राइवेट मंडियों में चले जाएंगे। लेकिन आस्ते आस्ते ये होगा कि जो बड़े बड़े खरबपति हैं वो उन मंडियों में सामान स्टॉक में रखेंगे, उन मंडियों में सामान इकट्ठा करके रखेंगे और जब मन चाहे तब आपसे खरीदेंगे, जिस दाम पे चाहे आपसे खरीदेंगे और कोई न्यूनतम प्राइस नहीं होगी, MSP नहीं होगी, ऐसा कुछ कानून नहीं होगा जिसके जरिए आपको अपने उपज का सही दाम मिल पाएगा। तीसरा कानून ये है जिसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून। इसका मतलब है कि ठेके पर आपके साथ एक योजना बनाई जाएगी कि आप एक बड़ा अरबपति आ सकता है, करोड़पति आ सकता है और कह सकता है कि चलिए आप इस गांव में 25 किसान हैं, सब गेहूं उगाइए, आपको हम 20 रुपए का दाम दे। बाद में जब आप गेहूं उगाएंगे तो सब उस पर निर्भर होगा कि वो आपसे गेहूं खरीदना चाहेगा
20 रुपए का दाम देगा या 10 रुपए का दाम देगा या आपसे क्या डालेगा कि ये गेहूँ ठीक नहीं है मुझे चाहिए नहीं, ये सब उसी पर निर्भर होगा।